चित्रकूट बरगढ़ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंट्रल में लगातार इतना ढीला रवैया किसके संरक्षण में? चित्रकूट जिले के बरगढ़ कलचिया आयुष्मान भारत हेल्थ वेलसन उपकेंद्र ताला लगा हुआ है। इसकी सूचना सूत्रों ने बताया। इसकी जानकारी करने के लिए रिपोर्टर जब आयुष्मान भारत हेल्थ वेलसन उपकेंद्र बरगढ़ कलचिया पहुंचे तो देखा कि ताला लगा हुआ है, कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही किसके संरक्षण में हो रही है, इस पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। इस उपकेंद्र में किसी को डर नहीं है, आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। और ऐसे लापरवाह के ऊपर कब कार्यवाही होगी? या तो उन्हें अभय दान दे दिया जाएगा कि इन पर कार्यवाही होगी। यदि कार्यवाही नहीं होती है, इनके हौसले बुलंद रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले अशोक चौराहे पर आयुष्मान भारत योजना के समाचार अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था, जिस पर वहां के सीएचओ द्वारा कोई भी जानकारी संतोषजनक नहीं दे सकी। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए इनके लिए हौसले बुलंद है। आखिर जिला चित्रकूट अधिकारी महोदय कब इन पर कार्रवाई करेंगे, यह देखना बाकी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ टीम में मौजूद रहे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री बिसान मऊ, रिपोर्टर दिनेश कुमार द्विवेदी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट।